अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयान मोबाइल। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। रियलमी की तरफ से एक न्यू मॉडल आया है, न्यू सीरीज़ है रियलमी 12 सीरीज़, जिसका हमारे पास 12 प्लस आया हुआ है अनबॉक्सिंग के लिए। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो येलो कलर का बॉक्स है, 12 लिखा हुआ है, प्लस का निशान भी है इसके ऊपर। इसका नाम रियलमी 12 प्लस 5G है। इसके स्पेक्स की बात की जाए तो सोनी का LYT 600YS कैमरा इसमें लगा हुआ है, डायमंड सिटी का 7050 इसमें 5G प्रोसेसर है, 67 वोल्ट का चार्जर आपको मिल जाता है और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी तो सबसे पहले कुछ पेपर वर्क मिलेगा, इसके बाद आपको डिवाइस मिल जाएगी। डिवाइस को साइड पे करते हैं तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि पेपर वर्क में आपको एक सिलिकॉन केस मिल जाएगा और इसमें सिम इजेक्शन पिन मिल जाएगी और कुछ मैनुअल गाइड्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे। केस की बात की जाए तो वो आपको एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा। इसके अलावा चार्जर की बात की जाए तो 67 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर आपको इस फोन में मिल जाता है, बॉक्स में इंक्लूड। और इसके अलावा एक केबल मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। फ़ोन के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फ़ोन की तरफ चलते हैं, डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन है। आपको बैक साइड पर लेदर का डिज़ाइन मिल जाता है, बीच में एक लाइन बनी हुई है जो शाइनिंग वाली है। और 3 कैमरा मॉड्यूल है इसमें, गोल्ड कलर गोल्ड डिज़ाइन बनाया हुआ है। कैमरे का साइडों की बात करते हैं तो पावर बटन और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, जबकि ऊपर आपको 3.5 mm जैक और इसके अलावा नीचे टाइप सी और इसके अलावा स्पीकर, और दूसरी साइड आपको बिल्कुल प्लेन मिल जाती है, जबकि सिम जैक भी इसका आपको नीचे मिल जाता है। स्क्रीन की बात की जाए तो आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है जो काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले है इसका। 5G चिपसेट है और इसके अलावा पावरफुल फ़ोन है। तो इसके बारे में हम इसके अबाउट फ़ोन में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके स्पेक्स। बात की जाए इसके रियलमी UI की तो आपको इसमें बिल्कुल लेटेस्ट UI मिल जाता है और अपडेट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके रैम के बात की जाए तो 8+8 तक जा सकती है, 256 GB स्टोरेज है, 6.67 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। और इसके अलावा 16 MP फ्रंट है और बैक 50+8+2 MP आपको मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें जो है रिफ्रेश में दिखा देता हूँ तो स्टैंडर्ड और हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें इसके मज़ीद सिक्योरिटी फीचर्स और इसके अलावा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करते हैं तो आपको इसमें डिवाइस अनलॉक वगैरह और यहाँ से अपडेट और ऐप लॉक वगैरह भी मिल जाता है इसी ऑप्शंस में। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाती है और बैटरी के अंदर ऑप्शंस जो है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें स्मार्ट चार्जिंग और इसके अलावा ऑप्टिमाइज चार्जिंग मिल जाती है। स्पेशल फंक्शंस की तरफ चलते हैं तो नॉर्मल जो फीचर्स हैं किड्स मोड्स वगैरह और फ्लेक्सिबल विंडोज़ वगैरह वो आपको स्पेशल फंक्शंस में मिल जाती है। इसके अलावा अगर एडिशनल सेटिंग्स की बात करते हैं तो इसमें आपको लैंग्वेज और असिस्टिव वॉल और इसके अलावा गेस्टर्स टाइम डेट वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती है इस ऑप्शन में। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके साउंड वगैरह की तो साउंड में आपको इसका चेक करा देता हूँ। साउंड की बात करते हैं तो इसमें सिंगल स्पीकर है, साउंड आपको चेक कराता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस फ़ोन के बारे में और इसके स्पीकर के बारे में। साउंड आपको चेक करा दिया है लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है और रियलिटी साउंड का, इसमें आप इसमें इफेक्ट वगैरह इक्वलाइजर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हैप्टिक मोड भी मिल जाता है जो म्यूज़िक का होता है, वो भी आपको इस फोन में मिल जाएगा जो अभी ये न्यू सॉफ्टवेयर में आया हुआ है, एक नए फीचर्स हैं। और इसके अलावा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो अभी एक नया ऑप्शन आया हुआ है जो शॉर्टकट्स होते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर, इसको भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। गूगल असिस्टेंट है इसमें, फ्लैश लाइट है और इसके अलावा QR कोड वगैरह, और आप इसको अगर बिल्कुल कुछ भी ना रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन न्यू आया है तो वो भी आपको रियलमी 12 सीरीज़ में मिल जाता है। और इसके अलावा जो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको क्लॉक मिलती है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके बैटरी वाले ऑप्शन में मैं आपको इसके कुछ फीचर दिखा देता हूँ जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो मैं आपको दोबारा बैटरी वाले ऑप्शन में लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें।
इसमें अगर आप मोड सेटिंग में चलेंगे तो मोड सेटिंग में आपको इसमें प्रोफेशनल मोड और इसके अलावा ऑप्टिमाइज बैटरी और इसके अलावा परफॉर्मेंस मोड पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने जिस मोड पर भी लगाना है तो बैटरी उस हिसाब से आपकी काम करेगी। उसके हर मोड के नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई होती है कि इसमें बैटरी क्या किस कितना टाइम देगी और क्या करेगी, तो उस हिसाब से आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर ये शॉर्टकट्स हैं, तो सेटिंग यही थी इसकी फ़ोन की। इसके कैमरास की तरफ चलेंगे हम। कैमरा की बात की जाए तो मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल हैं और फ्रंट कैमरा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाता है। सबसे पहले मैंने इसके रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ इसके मोड वगैरह, और उसके बाद मैंने इससे कुछ तस्वीरें भी ली है, वो आपको मैं इसके सैंपल्स भी दिखा देता हूँ। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। इसमें जूम की बात कर लेते हैं तो जूम आपको इसमें 20x तक मिल जाता है। अमूमन जो जूम है वो आपको 10x तक मिलती है, लेकिन इस फ़ोन में आपको 20x तक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके वीडियो मोड की बात करते हैं तो वीडियो मोड का भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। 4K तक आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, और इसके अलावा स्ट्रीट वाला मोड भी आपको मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। तमाम मोड की बात करें इसके तो माइक्रो मोड और स्लो मोशन वगैरह इसमें है, हाई रेजोल्यूशन वाला मोड भी है, पैनोरामा है, और प्रो मोड भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको मोड तकरीबन 12 मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मोड हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम इसके पोर्ट्रेट की सेटिंग में चलते हैं, तो पोर्ट्रेट में आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। इसमें आप लॉक कर सकते हैं इसके फोकस को, और इसके अलावा वाटर मार्क वगैरह और लोकेशन का टैग भी आप लगा सकते हैं पिक्चर में। हाई रेजोल्यूशन वाली हाई एफिशिएंसी वाली वीडियोस को भी आप इसमें बना सकते हैं 4K 30fps पर, और इसके अलावा 60fps पर ये बनाता है, यानी ये भी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी सेटिंग में जाएंगे। लेकिन इसके फ़ोटो की सेटिंग की बात करें तो आपको इसमें रेशो चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा बस्ट मोड है। और सेटिंग की बात करें तो सेटिंग तो इसकी वही सेम मिल जाती है जो आपको पोर्ट्रेट मोड में मिलती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके अलावा वीडियो मोड में चलते हैं तो वीडियो मोड में इसमें आपको स्टेडी मोड मिल जाता है, लेकिन स्टेडी मोड में आप 1080 पर वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको 4K पर वीडियो बनानी है तो आप इसमें 30fps पर ही वीडियो बनाएंगे, 60fps पर आपकी वीडियो नहीं बनेगी। इसके अलावा इसमें एक दूसरा मोड है जो नया मोड आया हुआ है, वो स्ट्रीट मोड है। इसमें अगर आप एक ऑप्शन देखें ऊपर आपको मिल जाता है ऑटो जूम वाला, तो आप इसमें किसी भी अगर चीज़ पर टच करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। जैसे मैं इस बॉक्स के ऊपर टच करता हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, तो ये इसमें एक नया मोड है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाइट मोड है इसमें, तो मैं इसके कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखा देता हूँ जो हमने इससे ली हैं। प्रो मोड भी मिल जाता है इसमें, प्रो मोड में आप सब चीज़ों को ISO वगैरह को वाइड बैलेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी तस्वीरें हैं कुछ जो मैंने इससे ली है। इसमें पोर्ट्रेट मोड आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स भी हमने ली हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। जितना भी जूम करें आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो मतलब इसने फोकस किया हुआ है उस हिसाब से रिज़ल्ट अच्छा दिखा रहा है और ये पिक्सल नहीं पड़ रहा। इसके अलावा अगर इसके ये दूसरी पिक्चर है ये भी आप देख सकते हैं, और जो हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है ये, इसको आप जितना भी जूम करें तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। ये पिक्चर मैंने हाई रेजोल्यूशन वाले मोड पे ली है, तो इसको जूम करके मैं आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका आ रहा है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो ये पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है, आप देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड ब्लर हुआ हुआ है, और ये भी आप एक फ़ोन के पिक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा ये डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं इसने फुल फोकस किया हुआ है और बैकग्राउंड ब्लर है, तो ये कुछ इसके अपनी तस्वीरें हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो Realme 12 Plus के बारे में। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।